चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया है। इस विषय के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, ये चर्चा में क्यों है और विश्व में कैसी और किस प्रकार रैंकिंग दी गई है, बौद्धिक संपदा क्या होता है आदि इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 53 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान मिला है, इसी वजह से ये चर्चा में भी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इस सूचकांक में और क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यह सूचकांक जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा हर साल जारी किया जाता है और यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाने वाला 9वां संस्करण है। जो ये IP सूचकांक फिलहाल आया है ये 9वां संस्करण है, इस वजह से ये खास भी हो जाता है। 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का इसके तहत मूल्यांकन किया गया है और ये मूल्यांकन पेटेंट कॉपीराइट नीतियों से लेकर IP परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण पर आधारित है कि किस देश के अंदर वहाँ के लोगों को कितनी IP जो है उनका कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितना हाई लेवल का है, इस पर इस सूचकांक में देशों को रैंकिंग दी गई है। तो भारत को इसमें 40वीं रैंकिंग जो मिली है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो रिकवरी थ्रू इनजेनिटी है और यह समग्र वैश्विक IP परिवेश में सुधार दिखाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरा जो विश्व है, विश्व के 53 कंट्रीज़ में जो IP के बारे में जानकारी जुटाई गई है उसमें सुधार दिखाई देता है, यानी कि देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा में सुधार दिखाई देता है, जिसमें IP द्वारा मापी गई 53 अर्थव्यवस्थाओं में से 32 में सकारात्मक प्रदर्शन दिखाई देता है। 53 कंट्रीज़ में से 32 देश ऐसे हैं जिसमें बौद्धिक संपदा में सुधार दिखाई देता है। तो ये इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है। अब देखेंगे मुख्य विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोप वैश्विक बौद्धिक संपदा रैंकिंग में शीर्ष देशों में से हैं। बाकी जो अन्य देश हैं जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, चीन, मैक्सिको जैसे उभरते हुए बाजार हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। इस सूचकांक ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद समग्र वैश्विक IP परिदृश्य में सुधार के संकेत दिए हैं और कहा है कि महामारी के बावजूद भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सुधार दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उक्त रिपोर्ट ने इस महत्व को भी रेखांकित किया है कि COVID-19 का मुकाबला सारे देशों ने बहुत ही मजबूती के साथ किया और इसमें बौद्धिक संपदा ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रभावी IP प्रणाली ने COVID-19 से निपटने के लिए बहुत सारी चिकित्सकीय पद्धतियों का विकास किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद के बिना ये होना संभव नहीं था और जो है इसकी वजह से ही टीकाकरण और अन्य सारी जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो भी बन पाई और जो टीके वगैरह ये सारी चीज़ें बनी हैं उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से ही संभव हो पाया। कोई एक क्षेत्र इस काम को संपूर्ण रूप से नहीं कर सकता था, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन के बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। 2020 में भारत 40वें स्थान पर रहा है और इसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित 50 जो संकेतक हैं उसके सेट के अंदर 100 में से 38.4 स्कोर इंडिया का इस बार रहा है, यानी कि 50 संकेतक हैं और स्कोर है 100 में से 38.4 अंक भारत ने पाए हैं और वो 40वें नंबर पर रहा है। इससे पहले भारत का जो समग्र स्कोर था 7वें संस्करण में वो 36.4 था और इस बार 38.46 है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दिखाता है। भारत के अंदर काफ़ी सारे क्षेत्र में सुधार है, इसके बावजूद भारत में अधिकार धारकों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और अभी भी भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां सुधारों की आवश्यकता है, ये ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। खास करके
पेटेंट के माहौल की बात आती है तो पेटेंट के क्षेत्र में, कॉपीराइट के क्षेत्र में और नवाचारों के क्षेत्र में जो है भारत को सुधार की आवश्यकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब हम देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 50 संकेतकों के आधार पर किसी भी देश की पारिस्थितिकी तंत्र जो कि बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसका मूल्यांकन करता है और उद्योग जगत का ऐसा मानना है कि ये जो 50 संकेतक है वो सबसे प्रभावी आईपी प्रणालियों के साथ अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि ये जो 50 संकेतक हैं इनका सहयोग लेके जो एनालिसिस किया जाता है देशों का वो सबसे बेहतरीन एनालिसिस में से एक है। ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब हम बात करेंगे कि बौद्धिक संपदा होती क्या है। बहुत ही अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अगर मैं किसी पुस्तक की रचना करती हूं तो वो मेरे दिमाग की उपज है और वो मेरी बौद्धिक संपदा है, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दिस इज़ बौद्धिक संपदा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अपनी कोई भी सृजन करता है, रचना, संगीत बनाता है, साहित्यिक कृति होती है, कला होती है, कोई खोज होती है। जैसे अभी अलग अलग देशों ने जो कोविड के लिए इंजेक्शन्स भी बनाए हैं उस तरह की खोज होती है, कोई नाम होता है, कोई डिज़ाइन होता है, उस पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति और वो संस्था जिसने उसको बनाया है उसका अधिकार होता है, वो उसकी बौद्धिक संपदा होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार की अगर बात करें तो व्यक्ति या संस्था को अपनी रचना और आविष्कार पर एक निश्चित अवधि हेतु विशेष अधिकार दिए जाते हैं। कई विशेषाधिकारों का विधि द्वारा संरक्षण, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आदि के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया या किसी चीज़ का पेटेंट हो गया, ये किसी आदमी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है सहज के रखने में मदद करता है, उनको उससे रिलेटेड अधिकार प्रदान करता है। इससे रिलेटेड संस्था के बारे में अगर बात की जाए तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये यूएन का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, यानी कि यूएन की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसको WIPO संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ के स्रोत के रूप में काम करता है। यानी कि ये यूएन का संगठन है और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जो भी काम करता है उसको बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है। भारत भी इसका सदस्य है और भारत WIPO द्वारा प्रशासित कई संधियों के अंदर मुख्य पार्टी के रूप में भी काम करता है। तो ये हमने बात कर ली बौद्धिक संपदा के बारे में, इंडेक्स के बारे में भी, भारत के बारे में भी और बौद्धिक संपदा क्या होती है से लेके इससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। कथन दो, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उपरोक्त में से सत्य कथन है केवल एक, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है। पिछले वीडियो में हमने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित प्रश्न पूछा था और पूछा था कि सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन है केवल ए, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। इनको गांधी शांति पुरस्कार तो दिया गया है लेकिन 2019 के लिए नहीं, इनको 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 2019 के लिए ओमान के सुल्तान को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही इस विषय को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और हमारे अन्य वीडियो से संबंधित PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।